नमस्कार आदाब, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। किसानों ने 18 फरवरी को देशव्यापी रेल रोको अभियान की घोषणा की। भीमा कोरेगांव मामला, नया खुलासा, मालवेयर के जरिए सबूतों प्लांट किए गए। उत्तराखंड के चमोली जिले की आपदा का ऋषि गंगा परियोजना से क्या संबंध है? हमारी चौथी और आखिरी खबर कोरोना अपडेट। देश में फिर हुई कुल एक्टिव मामलों में 1051 मामलों की बढ़ोतरी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को तेज करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को ऐलान किया कि 18 फरवरी को 4 घंटे की राष्ट्रव्यापी रेल रोको अभियान होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक स्टेटमेंट देते हुए घोषणा की कि 12 फरवरी से राजस्थान में टोल लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सिंगू बॉर्डर पर मीडिया को संबोधित करते हुए क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष दर्शन पाल ने कहा कि हरियाणा में किसानों ने भारतीय जनता पार्टी और इसके सहयोगी जननायक जनता पार्टी के विधायक के घेराव की अपील करेंगे। उनका कहना है कि या वो तो चल रहे आंदोलन को समर्थन दे या अपनी विधानसभा सीटों से इस्तीफा दे। किसानों ने पहले कुरुक्षेत्र के कैमला में हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की रैली को भी रोक दिया था। दर्शन पाल का कहना है कि इस कार्यक्रम को विभिन्न खापों से समर्थन मिला है, जिन्होंने हमें खाद्य पदार्थों और अन्य आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के संदर्भ में उनके योगदान का आश्वासन दिया था। राजस्थान के लिए हमने निजी एजेंसियों से टोल प्लाजा को फ्री करने की अपील की है। यूनियनों ने नागरिकों से अपील की कि वे 14 फरवरी को पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर शहीद सैनिकों और किसानों को श्रद्धांजलि दें। बाद में प्रतिष्ठित किसान नेता छोटू राम को याद करने के लिए 16 फरवरी को बैठकें आयोजित करने की बात भी रखी। किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल सेवाओं को रोकने का निर्णय लिया। भीमा कोरेगांव मामले में एक नया मोड़ आया है। अमेरिका स्थित एक डिजिटल फॉरेंसिक फर्म आर्सेनल कंसल्टिंग ने पाया है कि भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार एक्टिविस्ट रोना विल्सन के एक लैपटॉप में एक मालवेयर का उपयोग करते हुए सबूत प्लांट किए गए थे। विल्सन उन 15 कार्यकर्ताओं, वकीलों और शिक्षाविदों में से एक है जिन्हें 1 फरवरी 2018 को हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। वे सब अभी जेल में हैं। साथ ही साथ इन सभी पर कथित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश का भी आरोप लगा था। आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा कि विल्सन की गिरफ्तारी से पहले उनके लैपटॉप को एक मालवेयर के जरिए हैक किया गया और उसमें कम से कम 10 लेटर प्लांट किए गए। यह वही लेटर्स थे जो पुणे पुलिस ने मामले में दायर चार्जशीट में अपने प्राथमिक सबूतों के रूप में इस्तेमाल किए थे। संयोग से पिछले साल जनवरी में भी भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद भीमा कोरेगांव मामला पुणे पुलिस से ले लिया गया और केंद्रीय राष्ट्रीय एजेंसी यानी NIA को सौंप दिया गया। आर्सेनल की रिपोर्ट के अनुसार विल्सन का लैपटॉप जून 2016 में कॉम्प्रोमाइज हुआ जब किसी ने 80 वर्षीय कवि कार्यकर्ता और इस मामले में अभियुक्त वरवरा राव के अकाउंट का इस्तेमाल कर कई संदिग्ध ईमेल भेजे। सरकारी सूत्रों ने हालांकि वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट का खंडन किया कि सबूत लगाए गए थे। NIA के एक अधिकारी ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि आर्सेनल कंसल्टिंग की रिपोर्ट मामले में चल रही जांच और इकट्ठा किए गए सबूतों बदनाम करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि पूरे FSL रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे ऐसा लगे कि सबूत प्लांट किए गए थे या आरोपी रोना विल्सन की डिवाइस से कोई भी छेड़छाड़ की गई थी। इस नए खुलासे के बाद वाम दलों ने मांग की कि इस मामले में गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। CPIM के पॉलिट ब्यूरो के एक प्रेस रिलीज जारी कर कहा कि इस मामले में पकड़े गए कार्यकर्ताओं के खिलाफ दायर केस खारिज हो और महाराष्ट्र सरकार एक SIT बनाकर यह जांच करे कि रोना विल्सन के लैपटॉप में किस तरह से सबूत प्लांट किए गए। प्रेस रिलीज में यह भी कहा गया कि कंप्यूटर हैक करना और सबूत प्लांट कर सकना एक बेहद खतरनाक तकनीक हथियार है जिसे मोदी सरकार ने भीमा कोरेगांव मामले में इस्तेमाल किया और आगे भी अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सकती है। CPI ने भी यह मांग की कि सभी आरोपियों को छोड़ा जाए और इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो। चमोली जिले में फ्लैश फ्लड के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हो गई है,
जिसमें से 10 की पहचान हो गई है और 204 लोग अभी भी लापता हैं। इस आपदा से ग्रसित लोगों और पर्यावरण को लेकर सरकार कितनी संवेदनशील है, इस पर बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार उर्मिले जी। आइए सुनते हैं उनका क्या है कहना। इतनी सारी चर्चा, इतनी सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इस समय जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी उत्तराखंड ट्रेजडी को लेकर, चमोली जिले में जो कुछ हुआ है उसको लेकर सरकार, शासकों, ब्यूरोक्रेट्स, बड़े योजनाकारों का कितना कंसर्न है। दुनिया के दूसरे देशों में, विकसित देशों में, कई विकासशील भी देश ऐसे हैं जहां डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस मजबूत हैं, जवाबदेही है, ऐसी घटनाएं होती हैं तो पूरा का पूरा शासन प्रशासन हिल जाता है। यहां दर्द ही नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाले गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं। अब तक 32 लोगों के मौत की पुष्टि हुई है और 200 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। क्या किसी ने ये बताने की कोशिश की कि यह घटना क्यों हुई है? अब तो 2-3 दिन बीत गया, क्यों ये घटना हुई है? इस पर उत्तराखंड के जो पर्यावरणविद हैं अपने ढंग से लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनकी बातें बड़े मीडिया में नहीं आ रही हैं। बड़े चैनलों में जो डिस्कशंस हो रहे हैं 2-3 दिन में, आप देख लीजिए किन चीज़ों पर हो रहे हैं। लेकिन उत्तराखंड ट्रेजडी को लेकर, उत्तराखंड के चमोली जिले में जो कुछ हुआ है वो कैसे एक निजी विद्युत परियोजना, एक पावर प्लांट जो वहाँ पर बैठाया जा रहा था, पनबिजली परियोजना जो पहले सरकारी क्षेत्र की थी, बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा प्राइवेट को दे दिया गया, उसका कैसे भारी विरोध किया गया था। यह भी विरोध किया गया था कि उस जगह परियोजना नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो न केवल पर्यावरण के खिलाफ है बल्कि वो हमेशा जोखिम में रहेगी, हमेशा खतरे में रहेगी और अन्य लोगों को भी खतरे में डालेगी, और वही हुआ। और दोस्तों, ये पहली घटना नहीं है। 2013 में हमने केदारनाथ ट्रेजडी देखी है, 1970 में जिस अलकनंदा पर भीषण बाढ़ आई थी, बहुत बड़ी बाढ़ थी, लोग मरे थे काफ़ी, लेकिन 2013 में जब वैसी ही बाढ़ आई तो उससे भी ज़्यादा लोग बढ़े मरे। लेकिन 2013 की बाढ़ 1970 की बाढ़ से बहुत कम थी, फिर भी मरने वालों की संख्या 2013 में ज़्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पर्यावरण का विनाश किया, हमने जंगलों का विनाश किया, हमने पहाड़ों को रौंद डाला, हमने नदियों को बंद कर डाला, उनकी धारा को कंट्रोल किया, और इस कारण जो वेग है, जो प्रवाह है, उसको अलग अलग कारणों से, अलग अलग ढंग से रोका गया, और यही कारण है कि आज मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लेकिन कोई कंसर्न नहीं, कोई चिंता नहीं, क्योंकि जनता इन्वॉल्व है, गरीब लोग इन्वॉल्व हैं। अगर हवाई जहाज पर कभी कुछ हो जाता है तो हाय तोबा मच जाता है, क्या क्या नहीं होता है। हम कंपेयर नहीं करना चाहते अमीरों और गरीबों के बीच में, ताकि कुछ लोगों को बुरा ना लगे, लेकिन सच यही है कि इस देश में मजदूर की कोई चिंता नहीं, इस देश में आम गरीब आदमी की कोई चिंता नहीं, इस देश में किसान की कोई चिंता नहीं, इस देश में नौजवान की कोई चिंता नहीं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा आज गुरुवार यानी कि 11 फरवरी को जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 12,923 मामले सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना से 108 मरीजों की मौत हुई है। साथ ही इसी बीच देश में कोरोना से पीड़ित 11,764 मरीजों को ठीक किया गया है और कुल एक्टिव मामलों में 1,051 मामलों की बढ़ोतरी हुई है। देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,08,71,294 हो गई है, जिनमें संक्रमण के कारण 1,55,360 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक कोरोना से पीड़ित 1,05,73,372 मरीजों को ठीक किया जा चुका है और कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 1.31% यानी 1,42,562 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा जानकारी के अनुसार देश में अब तक 70,17,114 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है, जिनमें से 4,05,349 लोगों को वैक्सीन पिछले 24 घंटों में दी है। आईसीएमआर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना के 20,40,23,840 सैंपलों की जांच की गई है,
जिनमें से 6,99,185 सैंपलों की जांच पिछले 24 घंटों में हुई है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.